Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. So we are on chapter 7, that is triangles. अभी तक हम इसकी two exercises almost complete कर चुके हैं. Second exercise के last कुछ questions हमारे रह गए हैं, right? And जल्दी जल्दी से हमारा ये chapter खत्म होने वाला है. It's very important and also a very easy chapter. इसमें कुछ चार पांच rules हैं. बस वही है जो हमें याद रखने हैं और जिसके basis पे हमारे सारे questions solve होंगे. राइट, सो लेट अस बिगिन. हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पे थे. 7.2 के फर्स्ट फोर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दे आर पर्टेनिंग ऑल दी अदर रूल्स जो हम इससे पहले हमने पढ़े हैं. और अब हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की हम लोग इस एक्सरसाइज में बात करेंगे, फिफ्थ ऑनवर्ड्स. राइट, तो फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ए बी सी एंड DBC आर टू आइसोसेलीस ट्रायंगल्स. अब आइसोसेलीस ट्रायंगल्स हमने पिछले लेसन में पढ़ा था क्या होते हैं, जिनके टू साइड्स इक्वल हो. तो आइसोसेलीस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, राइट? तो अब इन आइसोसेलीस ट्रायंगल में एक तो हमारा कॉमन बेस है दैट इज BC और इक्वल साइड्स हमें बताई है. ABC ट्रायंगल में, जस्ट अ सेकेंड, तो जो हमारा ABC ट्रायंगल है उसमें AC इज इक्वल टू AB, राइट? इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, राइट? और इन ट्रायंगल DBC, DBC, DB इज इक्वल टू DC, है ना? ये हमें गिवन है. देखो, जहां सिंगल लाइंस बनी हुई हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल है, और जहां डबल बनी हुई है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल है. तो हमें शो क्या करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, यानी ये कंप्लीट एंगल ABD इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल ACD, राइट? तो सबसे पहले हमें ये पता है पिछले थ्योरम्स के हिसाब से दैट द एंगल्स opposite to the equal sides in an isosceles triangle are equal to each other. मतलब अगर एक isosceles triangle है हमारे पास, तो जो उसकी equal sides के opposite angles होंगे, जैसे इसमें AC के opposite वाला angle that is angle ABC और AB line के opposite वाला angle ACB, ये दोनों भी क्या होंगे, equal होंगे. तो ये note down कर लेते हैं. Triangle ABC में angle ABC is equal to angle ACB, right? और similarly जो हमारा triangle DBC है उसमें angle DBC is going to be equal to angle DCB, ठीक है? इसको one ले लो और ये हो गई हमारी equation two. तो DBC यानी कि ये वाला angle is equal to DCB that is ये वाला एंगल, ठीक है? तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB, राइट? और फिर अब ये देखो, ABC एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल इज प्लस एंगल DBC यानी ये वाला एंगल, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, ABD. तो एंगल ABD इज इक्वल टू, अब ACB को हम जब ऐड करेंगे DCB के साथ तो हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल D एंगल ACD, ये कंप्लीट एंगल हमारा बन जाएगा. तो एंगल ACD, यही हमें प्रूफ करना था दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, राइट? तो हेंस प्रूव्ड, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Triangle ABC is an isosceles triangle. Again, ABC triangle हमें given है, जो एक isosceles triangle है, in which AB is equal to AC. AB is equal to AC, right? और side BA, BA ये जो हमारी line है,
इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है अप टू डी. सो बी ए इज एक्सटेंडेड अप टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी. अब ए डी भी ए बी के इक्वल है, सो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल. तो बी सी डी कौन सा है? ये वाला एंगल है जो हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल है. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि आइसोसेलीस ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एबी इज इक्वल टू एसी, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे. तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल एसीबी, है ना? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. फिर सेकंड इक्वेशन के हिसाब से हमें ये क्या बोला है, एडी इज इक्वल टू एबी. तो AD is equal to AB के हिसाब से AD is equal to AB. तो गाइस अगर AB AC के भी इक्वल है और AD के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AD is also equal to AC. ठीक है, AD is equal to AC. तो अब अगर हम ट्रायंगल ACD को कंसीडर करते हैं, तो इसमें अगर हमारे दो साइड एसी और एडी आपस में इक्वल हैं, तो एंगल्स कौन से इक्वल हो जाएंगे? एंगल एसीडी विल बी इक्वल टू एंगल एबीसी, है ना? ये और ये वाला एंगल इक्वल हो गया. ठीक है, और सिमिलरली हमारा एबी किसके इक्वल था? एबी इक्वल सॉरी एंगल एबीसी इक्वल था एंगल एसी बी के. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे सारे एंगल्स क्या हैं? इक्वल टू ईच अदर हैं. सॉरी, तो देयरफॉर एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल एडीसी. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट कौन सा ट्रायंगल करना है, कौन सा एंगल करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बीसीडी. ठीक है, बीसीडी एंगल करना है, तो कौन सा है ये कंप्लीट एंगल हमारा? तो इसको हम ए अज्यूम कर लेते हैं. वेट, लेट एंगल बीसीडी इज इक्वल टू ए. ठीक है, बी सी डी हमारा ए के इक्वल है, तो अगर बी सी डी ए के इक्वल है पूरा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी सी सॉरी ए सी बी इज इक्वल टू ए बाय टू. ए सी बी कौन सा हमारा? ये वाला ट्रायंगल. ए सी बी हमारा ए बाय टू है और हमारा ए सी डी भी क्या हो जाएगा? ए बाय टू हो जाएगा. ठीक है, इसको जैसे हमने अगर डिवाइड कर दिया, ये तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, है ना? तो बी सी डी हमारा किन दो साइड्स को ऐड करके बनाना है, किन दो एंगल्स को ऐड करके बनाना है? एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ए. अब ACD और ACD तो इक्वल है, कैसे पता है हमें इक्वल है? हमारी ACD और ACD हमारे इक्वल है ना? क्यों? ये वाले हमारे इक्वेशन से, इसको हम थ्री नेम कर लेते हैं. ये हो गई हमारी टू. ठीक है, तो अब ये दो इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए बाय टू विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए सी डी. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? ए बाय टू हो गए. तो इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो हमारे एंगल्स थे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी सॉरी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये सारे एंगल्स किसके इक्वल है? ए बाय टू. ठीक है, अब ए ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. ई ट्रायंगल बी सी
बीसीडी कौन सा ट्रायंगल है? बीसीडी है, ये कंप्लीट ट्रायंगल है ना, ये जो पूरा ट्रायंगल हमारा ये फॉर्म हो रहा है, ये क्या है? बी सी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल बीसीडी, अब हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये यहाँ लिख लेते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्रायंगल बीसीडी में हमारे कौन से एंगल्स हैं? एक है एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी, ठीक है। ये हमारे तीन ट्रायंगल्स हैं, तीन एंगल्स हैं ना, दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब डी बी सी एंगल कौन सा है हमारा? वेट, डी बी सी है हमारा ये वाला एंगल है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, इसको हम, ये हमारा ए बी सी, सॉरी सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये है हमारा ए बी सी ट्रायंगल, सॉरी ए बी सी एंगल, ए बी सी है, फिर ये बी बी सी है ना, और ये हमारा है एंगल एंगल बी सी डी है ना। तो एबीसी एंगल हमारे किससे इक्वल है? एबीसी इज गोइंग टू बी हाफ है ना, ये हमें पता है, यहां से यहां हमने लिखा है, तो एबीसी क्या हो गया? ए बाय टू प्लस बीडीसी भी हमारा ए बाय टू है ना, प्लस जो बीसीडी ट्रायंगल, जो बीसीडी एंगल है हमारा कंप्लीट, बीसीडी एंगल किससे इक्वल है? यहां देखो ये हमने अज्यूम किया है ए के इक्वल, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा बीसीडी किससे इक्वल है? 90 डिग्री। ठीक है, ये तीनों साइड हमारी इक्वल है, तो इसलिए हमारे तीन एंगल्स जो इनके ऑपोजिट होंगे वो तीनों ही इक्वल होंगे। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम एसी लाइन को कंसीडर करते हैं, तो एबीसी ट्रायंगल में एसी के ऑपोजिट ट्रायंगल है एबीसी, और एसीडी जो हमारा ट्रायंगल है उसमें एसी के ऑपोजिट है एडीसी एंगल या बीडीसी एंगल, ये वाला हमारा एंगल डी, राइट। तो इसके हिसाब से या इसी वजह से हमारे सारे एंगल ए बाय टू के इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इसमें बेसिकली हमें दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन में हमारी, एक कि आइसोसेलीस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और दूसरा ये कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन व्हिच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एबी इज इक्वल टू एसी। दो चीजें हमें गिवन है, एक एंगल ए इज इक्वल टू 90 और एबी इज इक्वल टू एसी, तो हमारा जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल्ड आइसोसेलीस ट्रायंगल है ना। तो इसको बना लेते हैं, यहां पर ये बन गया हमारा राइट एंगल आइसोसेलीस ट्रायंगल। तो राइट एंगल किसे है? ए पे और डी और सी, तो ये 90 डिग्री है, और दूसरा हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी का क्या मतलब होगा? कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। सेम
लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए जो हमने थ्योरम यूज करी है यहाँ पे भी वही थ्योरम यूज होगी। तो ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, तो इन्हीं को ही हमने एंगल बी और सी लिया है, ठीक है। तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, वैसे ही लिख लेते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सॉरी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ए के इक्वल, ठीक है। तो अगेन एंगल्स ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, राइट। और इसके एंगल ए हमारा 90 डिग्री प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे एंगल b इज इक्वल टू एंगल c व्हिच इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें ए बी सी इसको हम नेम कर देते हैं और साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर तीनों साइड इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट के तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसको हम ए ले लेते हैं। और दूसरी चीज हमें क्या पता है, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए सॉरी यहां पे इक्वल आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। A plus A plus A is equal to 180 degrees. 3A is equal to 180 degrees. और A is equal to 60 degrees. तो all the angles show that the angles of an equilateral triangle are 60 degrees. तो ये हमारा proof हो गया. Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degrees. Right? तो वी आर डन विद आवर एक्सरसाइज 7.2। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपकमिंग एक्सरसाइजेस के साथ में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गाइस डोंट स्टॉप रिवाइजिंग एंड कीप योरसेल्फ सेफ एंड हेल्दी एंड कीप शेयरिंग सब्सक्राइबिंग एंड व्यूइंग टू आवर लेसंस ऑन एडस्टेप। थैंक यू।